हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रिम्पी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद रिम में। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे हेयर स्टाइल। आई थिंक दो या तीन हेयर स्टाइल मैं आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करने वाली हूँ जो आप कहीं पार्टी में जा सकते हो, किसी की बर्थडे पार्टी में जा सकते हो, किसी की वेडिंग पे जा सकते हो, किसी के रिसेप्शन पे जा सकते हो। आपको जहाँ मन आप वहाँ जा सकते हो। तो या गाइज, मैं बता दूं, यदि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जा करके फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे वीडियो को लाइक कर दे। मेरे वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखे। यदि आपको सारे हेयर स्टाइल देखने हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें गाइज। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ विदाउट एनी बकबक। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कर लेना है अपने हेयर को कॉम। तो यहाँ पे मैं अपने हेयर को कॉम करने के लिए ये कॉम का यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अपने हेयर को फटाफट से ऐसे टैंगल फ्री कर लीजिए। टैंगल फ्री करने के बाद ही कोई भी तरह का हेयर स्टाइल होता है। मेरे हेयर्स पे ज्यादा टैंगल नहीं होते हैं क्योंकि नहीं होते हैं, बस हेयर का क्वालिटी थोड़ा मेंटेन करना होता है। आपको अपने हेयर का अच्छे से ध्यान रखना होता है, नहीं तो हेयर में बहुत ज़्यादा टैंगल्स आते हैं। तो जब भी आप लोग शैम्पू करें तो अच्छे से सीरम वगैरह लगा के रखें तो फिर टैंगल्स बहुत कम। तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा कुछ इस टाइप का जो बॉबी पिन होता है उसका, एज यू कैन सी इस टाइप का क्लिप, ये जो क्लिप है ये ज़रूरत पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने हेयर को ऐसे मिड से लेना है, ठीक है। मिड से लेने के बाद आपको करना है बीच मांग। बीच मांग करना है। इसके बाद यहाँ से इतना सारा हेयर लेना है, ठीक है, और इसे ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट ट्विस्ट एंड ट्विस्ट। ट्विस्ट करने के बाद सामने से थोड़ा सा पुल करेंगे और इसे सिक्योर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लेना है हमें सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट को भी ऐसे ही करना है, ट्विस्ट ट्विस्ट और ट्विस्ट। फिर ये पहला वाला पार्ट को ऐसे खोल के सेकेंड वाला ऐसे सिक्योर कर देंगे। हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ओनली ट्विस्ट एंड ट्विस्ट पे ये हेयर स्टाइल टिका हुआ है। और ये हेयर स्टाइल ना बहुत ही प्यारा लगता है, आप इसे कोई बच्चे पे भी ट्राई कर सकते हो। जो मैंने एक साइड में प्रोसेस किया था वो सेम प्रोसेस सेकंड साइड में भी है। आप लोगों को देख करके ऐसा लगता होगा कि थोड़ा टफ है, लेकिन ये बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है। आप कभी भी कहीं भी डेली यूज़ में भी ये हेयर स्टाइल बना करके बाहर जा सकते हो, बहुत प्यारा लगता है। ये रहा गाइज हेयर स्टाइल। और सामने से आपको क्या करना है, ये थोड़ा थोड़ा सा बाल निकाल लेना है अपने फ्रंट का, थोड़ा थोड़ा सा बाल निकाल लेना है। और हाँ, आप लोग का चेहरा बहुत ही क्यूट दिखने वाला है, बहुत ही प्रेजेंटेबल आप लगोगे। तो आते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो ये वाले हेयर स्टाइल में क्या करना है, आपको अपने हेड के यहाँ से एक सेक्शन लेना है, ठीक है। ये सेक्शन लेने के बाद वो सेम सेक्शन आपको यहाँ भी लेना है। ये लेने के बाद पीछे के बाल को अच्छे से सिक्योर कर दे जिससे कि ये आपको परेशान ना करे, ठीक है। करने के बाद आपको करना कुछ यूं है कि यहाँ का इतना हेयर लेना है, और ये हेयर लेने के बाद कुछ नहीं, सिर्फ एक चोटी बनाना है, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट में इस तरह से चोटी करना है, और चोटी करने के बाद जो सेकंड वाला साइड है ना, उस साइड भी हम लोगों को सेम चोटी करना है। जैसा ये चोटी हम लोग कर रहे हैं वो सेम चोटी नेक्स्ट वाले पे भी करना है, ठीक है। जब आपकी ये दोनों ब्रेड कंप्लीट हो जाए तो आपको करना कुछ ऐसा है कि पीछे बनाना है एक पोनी। मैं दिखला रही हूँ, जैसे एकदम वैसे ही करना है कि ये खराब ना हो। आपको पहले चारों तरफ का हेयर लेकर के पीछे एक पोनी का जगह बना लेना है, ठीक है। ये पोनी हो जाने के बाद आपको करना कुछ ऐसा है कि इसे पीछे अपने पोनी के साथ इसे अटैच कर देना,
से अपने एक पोनी के साथ यू अटैच कर देना है। लग रहा है ना ये बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल और बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है यहाँ से। तो ये हुआ मेरा सेकेंड हेयर स्टाइल। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो थर्ड हेयर स्टाइल है वो मैं अभी फिर से आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बढ़ते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में क्या करना है आपको, फ्रंट के ये साइड पार्टीशन करने के बाद ये इस तरह से ले करके बालों को यूं ट्विस्ट करके यहाँ से थर्ड पार्टीशन हेयर ले करके इस तरह से ला करके इसे पुल कर सकते हो। इसे आपके आपका जो फेस है ना वो इतना फ्लैट भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लुक देता है ये। सेम इधर का हेयर भी लेना है और ये इस तरह से साइड में सिक्योर कर देना है। बहुत ही प्यारा लगता है इस टाइप का हेयर स्टाइल। और आप चाहो तो फ्रंट से ऐसे थोड़े से बाल ऐसे फेस पे रख सकते हो। ये रहा तीसरा हेयर स्टाइल, जो कि मुझे ये सारे हेयर स्टाइल बहुत 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 ज्यादा पसंद है। सो गाइज, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।